देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है, अगर एक बॉडी को हम एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दे दें, जैसे लेट सपोज ये बॉडी, इसको हमने कुछ वेलोसिटी दे दी v, एंड इट पुट्स ऑन अ कैप्ड ऑन अ फ्रिक्शनल सरफेस, यहाँ पे फ्रिक्शन है, सफिशियंट फ्रिक्शन है, जब ये वेलोसिटी देंगे तो फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा और ये फ्रिक्शन इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक टॉर्क प्रोवाइड करेगा, जिस टॉर्क की वजह से ये ओमेगा से घूमेगा। बट स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन जो होगा इसका रिटार्ड करेगा इसको, तो वो फ्रिक्शन बाई एम हो जाएगा, तो वेलोसिटी इसकी कम होती जाएगी धीरे धीरे और इसका ओमेगा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब ये वेलोसिटी, लेट सपोज वेलोसिटी मैक्सिमम है, ओमेगा जीरो है, वेलोसिटी कम होते होते और ओमेगा बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन आ जाएगी जब वी इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, और इस कंडीशन के बाद में बॉडी विल स्टार्ट प्योर रोलिंग। लेट सपोज दिस इज वी नॉट, दिस इज आर ओमेगा नॉट, इन दिस कंडीशन दिस ऑब्जेक्ट और दिस बॉडी विल मेक प्योर रोलिंग एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो। इसके बाद में फिर ये फ्रिक्शन एक्ट करेगा बट कोई वर्क नहीं करेगा, रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो पार्टिकल आगे ही मूव करेगा।